नीति है, तारीख बढ़ाई जाए, 10 जून की जाए और ऐसे में पहले जो लफड़े वो खत्म किए जाए, तारीख जोन की तो उसको बुलाए जाए, बिल बनाए जाए। नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मैं इस वक्त नौगांव सोसाइटी का जो गेहूं है वो 4 लेन के पास में तुल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये व्यवस्था आज ही बनाई गई। आपको पहले बता दें कि इसके पूर्व ये गेहूं आमखेड़ा की ओर तुल रहा था, जहां पर ट्रालियों की लाइन लगी हुई थी, जेल रोड पर लोग परेशान हो रहे थे, 8-8 दिन किसानों को हो गए थे, उनकी तुलाई नहीं हो रही थी। आज जाके प्रशासन ने उनकी सुध ली है, अन्नदाताओं की, और इनको यहाँ पर जो है 4 लेन के समीप यहाँ पे गेहूं तुलाई केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज रविवार का दिन है, यहाँ पर ट्रालियाँ किसानों की खड़ी है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये किसान यहाँ पर खड़े हैं, काफ़ी परेशान है। इन लोगों को मुझसे शिकायत भी थी कि मैं आज पहुँची हूँ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं किसानों के लिए हमेशा खबरें दिखाती रहती हूँ, उनके लिए खड़ी होती हूँ। हो सकता है कि मैं बीच में उनके साथ नहीं जा पाई, लेकिन आज मैं इसीलिए पहुँची हूँ यहाँ पर कि आखिर किसानों को क्या समस्या है, किसानों को क्या तकलीफें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेहूं तुल रहा है। यहाँ पे किसानों ने बताया कि जो गेहूं है उसके लिए आज उन्हें हम्माल नहीं मिले हैं तोलने के लिए, तो वो खुद अपने हम्माल यहाँ से तुलवा रहे हैं, अपने मर्जी से तुलवा रहे हैं। हालांकि हमने सोसाइटी प्रबंधक यहाँ से सोसाइटी के, उन्होंने कहा कि किसान जो है अपनी मर्जी से, क्या किसान अपनी मर्जी से अपना गेहूँ तुलवा रहे हैं? किसान उनकी मर्जी से वो खुद के हम्माल लाए और तोल रहे हैं, और मैंने उनसे कहा कि मजदूरी आपको मैं दूंगा। अच्छा, आप मजदूरी देंगे? हाँ। क्यों, क्या कारण रहा कि आज हम्माल नहीं आया? नहीं, रविवार का हम्माल जो लोग वो हाट करने के वजह तो फिर बात आते ही नहीं, तो आज सुबह से नहीं आया। और ये गेहूं कितना मतलब 1 क्विंटल पे कितना क्या तोला जा रहा है, कैसा क्या? नहीं नहीं, 1 कट्टी पे 750 ग्राम के आसपास हम तोलते हैं। आप तोलते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, और परिवहन की गति क्या है? आप परिवहन की गति ट्रांसपोर्टर के ऊपर है जब, और किसानों को जो पेमेंट हो रहा है इसके पहले के किसानों का जो माल दे दिया है उनको पर्ची पैसा किस तरह से मिल रहा है? वो ऑनलाइन है, वो तो ऑनलाइन भोपाल से भेजता उसकी पेमेंट की। अच्छा, आप सिर्फ तुलाई कर रहे हैं? हम तुलाई करते हैं, जब ट्रांसपोर्टिंग होती है एक सूची किसान की जाती है, ऑनलाइन पेमेंट है वो तो। और ये तुलाई कितने दिन तक होगी, अभी कब तक सरकार का आदेश? कितनी तारीख तक है? अब मेरे को प्रबंध बंदे 26 तारीख बता, तारीख बड़ी ये मेरे को नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, ठीक, 26 तारीख तक का नाम बता दीजिए। सिसोदिया, खरीदी प्रभारी। ये जो हमारे साथ थे खरीदी प्रभारी यशवंत सिंह सिसोदिया, हमारे पीछे किसान बैठे हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या शिवराज सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? बोलो बोलिए भाई साहब, बोलिए। अरे बोल, बोलो यार, बोले यार, यही बोलेंगे। क्या आप लोग को कोई समस्या नहीं है? जी मैडम, सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, जो पंजीयन हमारे रुके हुए हैं, जो हमारा जैसे हमारा SMS आया था 18 के दिन, आज हमको हो गए 26 दिन, 26 तारीख हो गए, 24 तारीख हो गई आज, मतलब हमारा बिल बनना चाहिए। जो सरकार कह रही है कि आपके मैसेज एक्सपायर हो गए, ये हमारी गलती नहीं, किसानों की गलती नहीं, मैसेज एक्सपायर हो गया, हमने जानबूझ के एक्सपायर किए, ठीक है, ये सोसाइटी वालों की गलती है कि इन्होंने माल नहीं तुलवाया, और आज किसान परेशान हो रहे हैं उस चीज़ के लिए कि आपका बिल नहीं बन रहा, तो उसके लिए हम किसान खुद जिम्मेदार नहीं है, सोसाइटी वाले जिम्मेदार है। हमारा क्या है, हमारा तो जिस दिन मैसेज मिला था उस दिन आए हम, अब सोसाइटी वाला नहीं तुलवाया माल तो हम क्या करें, और आज ये बोल रहे मैसेज नहीं बन रहा आपका, आपका बिल नहीं बन रहा, तो उसके लिए किसान क्या, किसान जिम्मेदार है? 5 दिन से लाइन है। मैं जामंदा से, मेरा नाम राहुल सुनेर है। कितने दिन से परेशान? मैडम मैं 17 तारीख के दिन आया हूँ, आज 24 तारीख हो गई, आज मेरा 8 ट्राली तुल रही है इसकी। क्या कहना चाहेंगे शिवराज सिंह चौहान? मैं शिवराज सिंह जी की कोई गलती नहीं इसमें, सब गलती है आपकी, हमारे विधायक जी ने सपोर्ट नहीं किया हमारे लिए, हम उनके घर के लिए, पर उन्होंने हमारे से सपोर्ट नहीं किया, और बाकी जो जिम्मेदार है सारी सोसाइटी जिम्मेदार है यहाँ की, कि इन्होंने ना किसान को सपोर्ट किया और ना इन्होंने हमारे लिए प्रबंध किया कुछ, कि माल हमारे लिए किसान के लिए तुलवाए और जगह खाली करा, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हम जब कल कलेक्टर अपर कलेक्टर के पास गए तो उसके बाद इनके पास आवेदन आया, वो प्रबंधन इन्होंने आज यहाँ पर करवाया हमारे लिए। ठीक है, नाम बता दो। मेरा नाम राहुल सुनेर है, मैं जामंदा रहता हूँ। और कुछ भैया, क्या समस्याएं हैं आपकी बता दी, और क्या जो समस्या?
मतलब सब कुल मिला के किसानों को ये समस्या है कि उनका जो माल है वो तोला नहीं गया, मैसेज जो है उनके एक्सपायर हो गए हैं, और अब जाके किसानों की सूद ली गई है प्रशासन के द्वारा, सोसाइटियों के द्वारा, और अब उनका माल तोला जा रहा है। आपको बता दें कि जो ट्रांसपोर्टर है उसके द्वारा जो किसानों का जो तोला हुआ गेहूँ है उसको उठाने की जो गति है वो बहुत धीमी है, उसी की वजह से ये सब जो समस्या आ रही है, बताया जा रहा है कि उसी की वजह से सब समस्या आ रही है, और किसान जो है सोसाइटियों पे लाइन लगा के खड़ा हुआ है और परेशान हो रहा है। मैं हूँ रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। नहीं, कल नहीं चलाई भैया, वो एक चला आप तो प्रॉपरली इधर दिखाओ दादा, इधर सामने दिखाओ, कितने का पैसा मिलेगा? ये पर्ची कब की है? 20 तारीख की। और आज कितनी तारीख हो गई है? आज हो गए 24। आपका अभी तक नंबर नहीं आया? अभी आज भी नहीं आएगा हमारा नंबर तो। अच्छा, और ये लोग कल हो सकता है कल आ जाए, कल आ जाए। और ये धूप वगैरह, धूप में तो बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं किसान की। पानी पीने की, सैनिटाइजर, पानी तो जैसे तैसे मिल रहा है, पर ऐसे ही कभी मिल जाए कभी खुट जाए पानी। सैनिटाइजर वगैरह की नहीं, नहीं। कहीं भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। यह नाम कहाँ से है? जामंदा से। नाम बताओ। गुलाब सिंह सुनहर जामंदा। ट्रैक्टर चला था? तोल कर रहे हो क्या? हमको मजदूरी देंगे, क्या तुम मतलब? क्या नाम है तुम्हारा? हरी सिंह डावर। कहाँ से आए? कलम खेड़े। सैनिटाइजर वगैरह, पानी पीने की व्यवस्था कुछ है? सैनिटाइजर वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी है पीने में? कोई पानी सब अपना अपना लाके आ रहे साथ में। धूप में आप लोग खड़े हो? हाँ, धूप में खड़े हैं। कोई ठाव की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। कितने दिन में नंबर आया आपका? 7 दिन में आए हो? मैं उठात का रहने वाला हूँ। नाम बताओ। जगदीश सोलंकी। क्या मामला है? मामला है मैडम कि हमको 8 दिन तो वहाँ पे हो गए, वो जेल रोड पे है ना, और आज यहाँ आए हम रात में। काम तो चल रहा है लेकिन हिमाल नहीं यहाँ पे। और हमारे मामा बोल रहे थे हम एक एक दाना खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे? हम यहाँ 8 दिन से भूखे प्यासे पड़े हैं, हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारी सारी समस्या हल हो। क्या क्या समस्या है? समस्या तोल की समस्या है, हमाल नहीं है, बहुत सारी समस्या। सैनिटाइजर तो कहीं है नहीं। सब क्या मिल रहा है? पानी तो ठीक भरा ना, ये पानी आनी तो रखा है। और खाना और सैनिटाइजर? खाना तो घर से ला रहे हैं हम। और सैनिटाइजर? सैनिटाइजर घर का ही रखा। और धूप वगैरह? धूप तो अच्छी मिल रही, बढ़िया। छांव की व्यवस्था नहीं है? ये सैनिटाइजर भग जाएगा, कोरोना भग जाएगा, धूप इतनी है। लेकिन मैं मामा जी से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा हमारा ख्याल करें, थोड़ा हम पे ध्यान दें। पंजीयन की तारीख खत्म होने वाली है, या तारीख बढ़ाई जाए, इसको 10 जून की जाए। जितने हमारे किसान भाई है सब सबकी तरफ बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी तारीख बढ़ाई जाए और सबका माल खरीदे। नाम बता दो। जगदीश सोलंकी।